15 सेकंड में लाइकेबल इंसान कैसे बने। हेलो दोस्तों, मेरी क्लास में एक लड़का था जिसे मैं बहुत जलता था। ना वो क्लास का टॉपर था, दिखने में भी उतना स्मार्ट नहीं था और अमीर भी नहीं था, बट फिर भी पूरी क्लास और टीचर भी उसे पसंद करते थे। इसका रीज़न ये था कि उसे लोगों से बात करना आता था। वो उन सबसे कहीं भी, कभी भी, कैसे भी बहुत अच्छे से बात कर लेता था, वो भी बिना किसी हेसिटेशन के। तब उसे देखकर मैं ये बोलता था कि अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है और मुझे ये सब करना भी नहीं है क्योंकि मुझे किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। पर रियलिटी ये थी कि मुझे अपने फ्रेंड्स के अलावा किसी से बात करने में ऑकवर्ड फील होता था। ये सब बहाने मारकर मैं अपने आप को एक्सक्यूजेस देता था, जो कि गलत था क्योंकि लोगों से बात करना और कम्युनिकेट करना हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और ये एक ऐसी स्किल है जो हमें अच्छे से आनी चाहिए। बट सैडली इस स्किल को डेवलप करने के लिए हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ नहीं करता। लेकिन रियलिटी यही है कि हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस पाने के लिए ये स्किल बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। इसलिए मैंने ये चैनल बनाया है जिससे मैं कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इम्प्रूव करें ऐसी वीडियो डालता रहूँगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वापस वीडियो पे आते हैं। देखो दोस्तों, बातों में बहुत ताकत होती है और इससे हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। आप बात करके बड़ी से बड़ी डील क्रैक कर सकते हो, लोगों को इंस्पायर कर सकते हो, अपना एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बना सकते हो और किसी का भी दिल जीत सकते हो। तो मैं आपको 5 ट्रिक्स बताऊंगा जो आपको ये स्किल डेवलप करने में बहुत मदद करेंगी। आज हम सिर्फ पहले ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो टेक्निक नंबर 1 है तो फ्लडिंग स्माइल। विलियम हर्ट एक स्टॉक ब्रोकर थे। उनकी शादी के 18 साल हो गए थे बट हार्डली वो अपने वाइफ से बैठकर बातें और हंसी मजाक किया करते थे। वो अपनी लाइफ से ज़्यादा खुश नहीं थे। उनका रिलेशन दूसरे लोगों से भी अच्छा नहीं था। वो कभी भी बिना रीज़न के किसी भी व्यक्ति से बात नहीं किया करते थे और ना ही कोई व्यक्ति उनसे बात करने की कोशिश करता था। वो अपनी लाइफ से बहुत परेशान हो रहे थे। उस सिचुएशन को बेटर करने के लिए उन्होंने डेल कार्नेगी की एक क्लब में मेंबरशिप ली। वहाँ उन्हें चीज़ों को बेटर करने के लिए एक सिंपल सा टास्क दिया गया। टास्क ये था कि उन्हें हर एक घंटे में एक बार किसी एक व्यक्ति को देखकर स्माइल करनी होगी। उन्होंने इसे सीरियसली लिया और उसे अप्लाई करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट डे वो हमेशा की तरह उठे बट वो नाश्ता करने से पहले अपनी वाइफ को देखकर एक स्माइल दी और गुड मॉर्निंग कहा। यह देखकर उनकी वाइफ एकदम शॉक्ड हो गई कि आज वो इतना अलग बिहेव कैसे कर रहे हैं। तब उन्होंने अपनी वाइफ को बताया कि फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब से ऐसा ये रोज़ होगा। यह सुनकर वाइफ को शौक भी लगा और बहुत अच्छा भी फील हुआ। फिर वो रास्ते में लोगों को देखकर उनको भी स्माइल देना स्टार्ट कर दिए। न्यूज़पेपर वाले को, एलिवेटर बॉय और अपने कलीग्स को और ऑलमोस्ट सबको देखकर वो स्माइल करना स्टार्ट कर दिए। ये करते हुए उनके एक बात रियलाइज़ हुआ कि अब जिन्हें भी वो स्माइल करके देखते थे तो वो भी रिटर्न में उन्हें स्माइल करके देखते थे, जो उन्हें काफ़ी अच्छा फील कराता था। और बिकॉज ऑफ दिस धीरे धीरे उनके कलीग्स भी उनसे बात करना स्टार्ट कर दिए और बात करने पर उन्हें ये भी बताया कि कैसे वो लोग उन्हें एक खड़ूस इंसान समझते थे। ये टास्क करके उन्हें कहा गया था कि वो अपने एक्सपीरियंस क्लब के दूसरे मेंबर के साथ भी ज़रूर शेयर करें। सो उन्होंने ये सब एक लेटर में बताया और कहा कि कैसे एक सिंपल सी चीज़ ने उन्हें उनकी वाइफ को इतनी खुशी दे दी जितनी उन्हें सालों में नहीं मिली थी। इसलिए आप लोग भी जब भी किसी से बात करते हो तो, या जब भी आप बात नहीं भी करते हो तो, फिर भी अपने फेस पर एक स्माइल रखो। ये चीज़ आपकी अट्रैक्टिवनेस और कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल तक कर देगी और दूसरी तरफ ये आपके ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है और स्ट्रेस को रिड्यूस भी करेगा, जिससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। बात करते टाइम हमेशा अपने फेस पर एक हल्की सी स्माइल रखें। स्माइल रखना सामने वाले को सेफ और अच्छा फील कराती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, फ्लडिंग स्माइल का मतलब ये नहीं कि आप किसी भी व्यक्ति को देखते ही फौरन स्माइल कर दें, बल्कि ऑथर कहती हैं किसी के मिलने के बाद आपको सबसे पहले उनके फेस पे देखना चाहिए, फिर 1-2 सेकंड रुककर एक स्लो स्माइल करनी चाहिए, बिकॉज लोगों को ये स्माइल फास्ट स्माइल से ज़्यादा जेन्युइन लगेगी। ऐसे ही और टेक्निक्स के बारे में आगे वीडियो डालता रहूँगा क्योंकि इस चैनल पर सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल और बाकी और चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए वीडियो आती रहेंगी।
जो आपके कम्युनिकेशन स्किल को नेक्स्ट लेवल तक कर देगी। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन अगर आप जानते हैं कि आपका ब्रेकअप क्यों होता है और बाकी लोगों का भी ब्रेकअप क्यों होता है तो आप ये राइट वाली वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।